एबीपी न्यूज के पत्रकार विवेक बाजपाई ने ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि सहारनपुर में बस में बैठे इन स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। न्यूज 18 के पत्रकार ऋषभ मणि ने भी ये वीडियो शेयर किया और कहा कि ध्यान से इसे सुना जाए, क्या ये छात्र पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे। वही कई मीडिया आउटलेट्स ने भी यही दावा किया है। इस लिस्ट में यूपी तक टाइम्स नाउ, नव भारत, एबीपी न्यूज, अमर उजाला, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर, फ्री प्रेस जर्नल शामिल है। ऐसे ही भाजपा प्रवक्ता प्रशांत पटेल उमराव, दैनिक हिंट के एडिटर कपिल त्यागी, आज तक के पत्रकार अनिल भारद्वाज समेत कई वेरिफाइड हैंडल्स ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का दावा किया। बहरहाल इस वीडियो को स्लो मोशन में देखने पर मालूम होता है कि वीडियो में पाक समर्थक नारे नहीं लगाए गए थे, बल्कि सभी स्टूडेंट्स मस्ती कर रहे थे और बस में मौजूद जैद सर और मोनिस सर के नाम से नारा लगा रहे थे। आप खुद ही ये सुन लीजिए। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये प्रेस नोट जारी किया। इसके मुताबिक ये स्टूडेंट्स लोकल यूनिवर्सिटी में डी फार्मा की पढ़ाई करते हैं। साथ ही वीडियो में दिखने वाले दो स्टूडेंट्स की पहचान सोबन और शाबान के रूप में की गई है। आगे ऑल्ट न्यूज ने सोबन और शाबान से संपर्क किया। उन्होंने हमें बताया कि कॉलेज बस में कभी पाकिस्तान जिंदाबाद जैसा नारा नहीं लगाया गया था। वहीं हमने जैद और मोनिस नामक बस में मौजूद दोनों टीचर्स से बात की। उन्होंने बताया कि वो 3 फरवरी 2023 को जेवी जैन कॉलेज में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में भाग लेने के लिए स्टूडेंट्स के साथ बस में जा रहे थे। स्टूडेंट्स बस में मस्ती करते हुए उन दोनों के नाम का नारा लगा रहे थे। वहीं यूनिवर्सिटी द्वारा बस में मौजूद सभी छात्र और टीचर समेत बस ड्राइवर का बयान लेने की बात भी हमें बताई गई। इन सभी ने बस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने की बात का खंडन किया। साथ ही पुलिस ने मामले में जांच करने की बात करते हुए ये कहा, हुआ जिसमें कि कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया गया कि उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। इस पर पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसमें आगे जानकारी की जा रही है। जो वीडियो है उसमें जो ऑडियो है इतना स्पष्ट नहीं है, उसको भी ठीक से सुना जा रहा है और उसमें तकनीकी मदद ली जाएगी और जो युवक हैं उनके शिनाख्त कर इसमें जो भी साक्ष्य सामने आएंगे नियमानुसार उसमें अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा, सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स का ये वीडियो पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी करने के झूठे दावे के साथ शेयर किया गया और तो और मीडिया ने भी बिना वीडियो की जांच किए इसे जो का त्यों चलाया। इससे पहले भी सार्वजनिक जगहों के वीडियोस कई बार सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक ने पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी करने के झूठे दावे के साथ चलाए हैं।